हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज मैं एक और नई वीडियो आपके बीच में लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कोलाज कैसे बनाते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, कोलाज बनाने से पहले मैं एक बार ये मोल्डिंग आपको दिखा देता हूँ, जो मोल्डिंग हमने इस कोलाज के अंदर यूज़ की है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये 1 इंची मोल्डिंग है, मैंने ब्राउन कलर की इसके अंदर यूज़ की है। और जो हमारी सेकेंड मोल्डिंग है वो इस तरह की है, ये भी इससे मैचिंग करती हुई मोल्डिंग है, बट ये लाइट कलर है, वो डार्क कलर है, ये लाइट कलर है। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो मैंने कोलाज आपको बना के दिखाया, एक बार मैं आपको दिखा पहले शो कर देता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए। सो ये वाला कोलाज हमने इन्हीं मोल्डिंग से बनाया है जो मैंने आपको अभी शो किया। मैं एक बार इनके जो साइजेज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या क्या हमने इसके अंदर साइजेज प्रोवाइड किए हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो आप साइज देख रहे हो, ये वाला जो मॉड्यूल है, इसका जो साइज है वो 5x7 इंच का है। इसको हमने हाइट में यूज किया है, और जो ये वाला साइज है इसको हमने वाइड में यूज किया है, ये भी 5x7 है, और ये वाला भी हाइट में यूज किया है, इसका साइज भी 5x7 इंच है। और जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो 4 साइजेस हैं, इनको हमने 4x4 इंच के मॉड्यूल्स में सेट किया है। और ये जो सेंटर में एक आप कंसोल देख रहे हो, इसके अंदर हम कुछ भी इवेंट, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, वेडिंग लाइफ, या कुछ भी आप इसके अंदर आप टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हो, या आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। और जो आउटर बाउंड्री है, उस आउटर बाउंड्री के लिए हमने इस तरह की मोल्डिंग का यूज़ किया है, ये मैंने आपको अगेन शो किया है। सो इस तरह की मोल्डिंग से हमने इसको आउटर बाउंड्री का गेटअप दिया है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है ये जानने में कि ये इस तरह के मॉड्यूल्स हम कैसे बनाते हैं, सो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और वैसे भी मैं बेल आइकन भी लगा देता हूँ, अगर किसी भाई को इंटरेस्टेड है कि भाई ये मॉड्यूल्स हम कैसे बनाते हैं, सो आप हमारी बेल आइकन पे भी जाके चेक कर सकते हो। सो फाइनली मैं अगेन आपको बैकेंड से भी इसको शो करा देता हूँ कि हमने इसको कैसे असेंबल किया। जो हमारे 5x7 इंच के साइजेज हैं, उसके पीछे हमने MDF का यूज़ किया फ्रेंड्स, MDF से सपोर्ट हमने उसको प्रोवाइड किया है, और फ्रंट में हमने ग्लास यूज़ किया है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है, ग्लास को रिमूव करके अक्रैलिक शीट या फिर ट्रांसपेरेंट शीट इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारा MDF शीट है, MDF बोर्ड है, इसकी 8x4 की शीट आती है, उससे हमने इसको कटिंग किया है। सो ये हमारा MDF शीट है, और अगेन मैं शो करा दूँ, सो ये हमारा प्रिंट है, और इसके बाद हमारा जो ये वाला ग्लास है, ये वाला हमने इसके अंदर ग्लास यूज़ किया फ्रेंड्स। सो ग्लास, पहले हम ग्लास का यूज़ करेंगे अपने कोलाज के अंदर। पहले मैं ग्लास को सेट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट को इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि प्रिंट से ही गेटअप बनता है, प्रिंट से ही गेटअप दिखता है। और अगेन फिर हम MDF का यूज़ कर रहे हैं ब्रदर, हम MDF को बड़े साइजेस के लिए ही यूज़ करते हैं। जो हमारे स्मॉल साइजेस हैं, जैसे 4x4 इंच के हैं, और नियर अबाउट 5x5 इंच तक भी हम जो अपना शीट होती है, माउंट पेपर शीट, हम उसको इसके साथ ही यूज़ करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इसको अगेन असेंबल करने के लिए हमने जिन जिन इक्विपमेंट का यूज़ किया वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो ये हमारा कटर है, ग्लास कटर, मैं अगेन आपको शो कर देता हूँ, ये हमारा ग्लास कटर है। ग्लास कटर की हेल्प से हमने ग्लास को कटिंग किया है, और ये हमारा फ्लेक्सीगन मशीन है, इसको हम फ्लेक्सीगन मशीन बोलते हैं। इसको हम पीछे से स्पोर्ट लगाने के काम आती है, ये इसको हम पीछे से स्पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। और अगेन मैं एक मशीन आपको शो करा देता हूँ, ये हमारी नेलगन मशीन है फ्रेंड्स। नेलगन मशीन से बहुत सारा काम इसके अंदर असेंबल करने के लिए यूज़ होती है ये मशीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मशीन इस तरह की नेल्स लगाती है, ये आप देखिए, इस तरह की नेल्स से हमने इसको प्रॉपर हैंग किया है ताकि ये हिले ना। ये वाली मशीन्स आप देख रहे हैं, ये वाली पिंस जो भी लगी हैं, ये हमारी नेलगन मशीन के हेल्प से लगी हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको शो करा देता हूँ कि कंप्लीट हमारा कोलाज का गेटअप कैसे लगता है और ये कैसा दिखता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा कोलाज बनकर रेडी हो चुका है। अगर कोई भाई इसे परचेज करना चाहता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए, और आप हमारी वीडियोज़ को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।